दोस्तों अगर आप भी राशिद खान को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार तो सेमीफाइनल से बाहर होकर भी अफगानिस्तान की टीम ने भारत का तिरंगा झंडा लेकर आखिरी मैच के बाद लहराया पूरे मैदान पर और लगाए भारत माता की जय के नारे। और इस दौरान भड़क उठे इन पर दुनिया भर के दिग्गज सानिया मिर्जा, शोएब अख्तर, अफरीदी से लेकर सचिन सहवाग, धोनी तक ने क्या कहा वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे। और धोनी ने तो जो कहा है वो सुने बिना आप भी कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का 42वां मुकाबला सफलतापूर्वक खेला जा चुका है। और दोस्तों इस मुकाबले में अफगानिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों यह फैसला लगभग उनका सही भी साबित हुआ, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान ने 50 ओवर में अपने 10 विकेट गंवाकर 244 रन बनाकर साउथ अफ्रीका के आगे 245 रन का लक्ष्य रखा था। हालांकि इस दौरान अजमतुल्ला ओमरजई ने अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 97 रन बनाए। हालांकि वो अपने शतक से तो चूक गए, लेकिन अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा गए। बाकी तो कोई भी बल्लेबाज 30 से ज्यादा रन बना ही नहीं पाया, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और दोस्तों इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करवाने वाले रहे ग्रिनाल कोडजी, जिन्होंने आज 4 विकेट हासिल किए। तो वही लुंगी एनगिडी और केशव महाराज को 2-2 सफलताएं मिली और एक विकेट फुलक वायो को भी मिला। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बबूमा ने पारी की शुरुआत की, जहां यह दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी कर ही रहे होते हैं। उस दौरान मुजीबुर रहमान ने रहमानुल्ला गुरवाज के हाथों टेम्बा बबूमा को चलता किया, जो कि 23 रन ही बना पाए। और ये विकेट गिर जाने के बाद फिर उतरे एडन मार्करम, जिन्होंने आज 25 रन की पारी खेली, लेकिन राशिद खान ने उनको अपने जाल में फंसा लिया और नवीन उल हक के हाथों कैच आउट करवाया। अब ये दो बड़े झटके टीम को लग चुके थे, इसी दौरान एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। और यहाँ पर क्विंटन डिकॉक 41 तो हेनरी क्लासेन 10 और डेविड मिलर 24 रन बनाकर ही आउट हुए। लेकिन एक बल्लेबाज टिका रहा, जो की थे रेसी वेंडर ड्यूसेन, जिन्होंने आज इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं एंडिले फुलकवायो ने उनका साथ भी निभाया और अंत में जाकर इस मुकाबले को साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने नाम कर लिया। और दोस्तों इस मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने अफगानिस्तान को ऑफिशियली अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर कर दिया है। और दोस्तों अफगानिस्तान टीम अब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों में शुमार नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी भारत ने इस बार अफगानिस्तान का इतना साथ दिया जिसके बलबूते पर वो यहां तक पहुंच पाए। इसीलिए अफगानिस्तानी खिलाड़ियों ने जाते जाते पूरे भारत देश के लिए अपने हाथ में तिरंगा झंडा पकड़कर मैदान पर चक्कर लगाए। इस दौरान राशिद खान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नवी नजर आए, जैसे कि आप सभी यहां पर देख भी सकते हो। और इन खिलाड़ियों ने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में अपनी जगह को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। लेकिन दोस्तों इस पर शायद भड़कते हुए दुनिया भर के दिग्गजों ने कहा। इस दौरान पहला बड़ा बयान निकल कर आता है, वो है सानिया मिर्जा का, जो कहती है कि अब अफगानिस्तान की टीम को और क्या चाहिए, वो सेमीफाइनल में तो पहुंच नहीं पाए, अब उनको क्या भारत पहुंचाएगा सेमीफाइनल में? हमें तो पहले से ही पता था ये भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है और देख लो सबूत, ये तिरंगा झंडा जो लहरा रहे हैं मैदान पर, यही भारत की बेईमानी का असली प्रतीक है। वो सेमीफाइनल में तो बेईमानी करके भारत खुद पहुंचाए और अफगानिस्तान को भी पहुंचाना चाहता था, लेकिन अब वो पहुंच नहीं पाए तो इन खिलाड़ियों ने उनका ही तिरंगा अपने हाथ में पकड़ लिया। आखिर ये भारत माता की जय जो कह रहे हैं, आईसीसी इन पर बैन कब लगाएगा? बल्कि आईसीसी को यही बैन लगा देना चाहिए कि भारत माता की जय मैदान पर कोई कह ही ना सके। तो वहीं दोस्तों बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है शोएब अख्तर का, जिन्होंने कहा भारत एक महान देश है, लेकिन महान देश ऐसे कर्म करेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। अफगानिस्तान को पीछे पीछे मदद करके भारत ने इस बार बहुत गलत किया है। अब जाते जाते भी अफगानिस्तानी खिलाड़ी भारत के गुणगान कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस बार फुल बेईमानी वर्ल्ड कप में हुई है। आईसीसी इन भारत वालों के खिलाफ जांच पेश की जाए और इनको सेमीफाइनल से बैन किया जाए। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो निकल कर आता है वो है शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने कहा कि अफगानिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने देश का झंडा छोड़कर भारत का तिरंगा अपने हाथ में पकड़ लिया। अरे लेना ही था तो पाकिस्तान का तिरंगा मैदान पर लहराते। तुमको कोई अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान को कोई शर्म नहीं है, उन्होंने अपने देश के झंडे का सम्मान नहीं किया है। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है वीरेंद्र सहवाग का, जिन्होंने कहा वाह राशिद खान और उनकी पूरी टीम ने दिल जीत लिया। अगर अफगानिस्तानी खिलाड़ी भारत के साथ खड़े हैं तो भारत भी उनके साथ खड़ा है, हम मरते दम तक आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने कहा अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में दिखा दिया कि वो पाकिस्तान से अच्छी टीम है। उन्होंने भारत का तिरंगा अपने हाथ में पकड़कर ये जता दिया कि वो असली देशभक्त हैं भारत के। ये मैटर नहीं करता कि एक मुस्लिम खिलाड़ी भारत का झंडा लेकर भारत माता की जय और जय श्री राम कह रहा है, इससे हमारी संस्कृति
प्रकृति का ज्ञात होता है। तो वही बात करने आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने कहा अफगानिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। अगर इन पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तानियों पर बैन लगवा भी दिया और जुर्माना भी ठुकवा दिया तो मैं उनका करोड़ों का जुर्माना भरने के लिए रहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर धोनी ने तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का ही दिल जीत लिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि धोनी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।